आपको बता दें कि कैश वैन सीएमएस की वैन बोरिंग रोड चौराहा स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम में कैश डिपॉजिट करने पहुंची थी। वैन में 16 लाख रुपए कैश छोड़कर बाकी सब कैश लेकर दो टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड आईडीबीआई बैंक के एटीएम में गए। उस वक्त ड्राइवर सोनू वैन को आगे में साइड लगाने की बात कहकर बढ़ गया, लेकिन आगे जाने के बाद वह रुका नहीं। जब वो साथी वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड के पंचमुखी मंदिर के पास पहुंच गया तो वहां उसने रुपयों से भरे बॉक्स का लॉक तोड़ा, फिर उसमें रखे करीब 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। साथ ही उसने अपने मोबाइल फोन को भी बंद कर दिया है। दूसरी तरफ एटीएम में रकम डालने के बाद जब टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड वापस रोड पर लौटे तो ना तो उन्हें कैश वैन दिखा और ना ही ड्राइवर सोनू मिला। जब उन्होंने अनहोनी का शक हुआ फिर अपने ऑफिस को इस बात की जानकारी दी, तब जीपीएस की मदद से कंपनी के स्टाफ ने वैन को पंचमुखी मंदिर के पास से ढूंढ निकाला, साथ ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में इसके पूरी थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं सोनू के घर जब पुलिस पहुंची तो वहां उसके घर पर ताला लटका मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।